जुजुत्सु काइसन मांगा चैप्टर 238 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं और सच में इस वाले चैप्टर के अंदर सुकुना के फाइनल फॉर्म को एक्शन में देखने के बाद में एकदम से मजे आ गए। चैप्टर के शुरुआत में सुकुना अपने फाइनल फॉर्म के अंदर काशमो की तरफ बढ़ रहा होता है। वहाँ पर काशमो सुकुना को अपने एक्सरे विजन से देख रहा होता है। सुकुना के इस वाले फॉर्म को देखने के बाद में वहाँ पर काशमो सोच रहा होता है कि सुकुना का ये वाला फॉर्म तो पूरा का पूरा परफेक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट पैनल के ऊपर नरेटर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि सुकुना के पास में अभी 4 हाथ है, जिसकी वजह से सुकुना अभी अपने 2 हैंड का यूज करके अनस्टॉपेबल तरीके से पूरे के पूरे इनकांटेशन कर सकता है। और वहीं पर सुकुना को सांस लेने के लिए भी रुकने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास में अभी एक्स्ट्रा माउथ आ चुके हैं। फिर उसी के नेक्स्ट पैनल के ऊपर हमको बहुत सारे क्लैंस के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे क्लैंस को सुकुना ने सिंगल हैंडली डिफीट कर दिया था। इन शॉर्ट नरेटर हमको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि सुकुना के इस वाले फॉर्म को रुकना इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला है। सुकुना के इस वाले फॉर्म को देखने के बाद में वहाँ पर काशमो एकदम से इम्प्रेस हो गया था। वहाँ पर सुकुना को बोलता है कि सुकुना तुम एकदम से ब्यूटीफुल दिख रहे हो, और यही बोलने के बाद में वहाँ पर काशमो सुकुना के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वहाँ पर सुकुना उसके हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसको पंच मार के दूर फेंक देता है। काशमो को दूर फेंकने के बाद में वहाँ पर सुकुना काशमो को वार्निंग देता है, अपनी इनकांटेशन करने लग जाता है। वहाँ पर वो काशमो को बोलता है कि ये वाला अटैक तुझे डॉज करना पड़ेगा, अगर तुमने ये वाला अटैक डॉज नहीं करा तो यहाँ पर तुम्हारा खेल भी खत्म हो सकता है। सुकुना तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंटली भाई वार्निंग दे रहा है कि मेरा अटैक ब्लॉक करो नहीं तो तेरा टाटा बाय गुड बाय हो जाएगा। उसके बाद में सुकुना अपना स्लैश अटैक यूज करता है। वहाँ पर काशमो को पता चल जाता है कि ये वही स्लैश अटैक है जिसने गोजो सातोरू के 2 टुकड़े कर देते। काशमो तो इस वाले अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन सुकुना एकदम से उसके सामने जाके लगातार उसको पंचेस मारना शुरू कर देता है। वहाँ पर सुकुना की स्पीड तो कुछ ज्यादा बढ़ चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि काशमो सुकुना के आगे कुछ ज्यादा ठंडा पड़ रहा है। और इतना करने के बाद भी वहाँ पर सुकुना तो रुकने वाला नहीं था, उसने एकदम से अपना दूसरा स्लैश अटैक काशमो के ऊपर कर दिया। वहाँ पर काशमो तो भाई अपने आप को प्रोटेक्ट करने के अलावा कुछ भी कर नहीं पा रहा था, वो बस सुकुना के अटैक को डॉज करे जा रहा था और पीछे भागे जा रहा था। उसके बाद में हमको छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर काशमो अपने पुराने वाले फॉर्म में दिखाया जाता है। वहाँ पर सुकुना काशमो से एक सवाल पूछता है, वो बोलता है कि तुमको बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया होगा क्योंकि वो लोग तुमसे लड़के अपना नाम बनाना चाहते होंगे, लेकिन तुमने उस वाले लोगों को अपने हाथों से मार दिया होगा। उसके बाद में सुकुना अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि एक तरीके से लोगों को मारना, उनके पेन को खत्म करना, ये एक टाइप की दया तो है। सुकुना बाद में बोलता है कि वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किसी पे डिपेंड नहीं था, वो स्टार्टिंग से जब उसको लगता था तब वो खाता था, जब उसको मन करता था तब वो लोगों को मारता था। सुकुना स्टार्टिंग से ही अपनी मर्जी का मालिक था, अगर लोग उसको सही तरीके से समझ नहीं पाए तो वो उन लोग की प्रॉब्लम है। उसके बाद में हम रियलिटी के अंदर वापस आते हैं। यहाँ पर लास्ट टाइम जब हाकारी ने अपनी डोमेन करी थी वो वाली डोमेन अभी ब्रेक हो चुकी है, और यहाँ पर डोमेन के ब्रेक होने के बाद ही यहाँ पर 2 बंदे बैटलफील्ड के अंदर उतर चुके हैं, जो कि और कोई नहीं अपना यूजी इतादोरी और हिगुरुमा है। इतादोरी को बैटलफील्ड के अंदर उतरते देखते वहाँ पर सुकुना इतादोरी से बोलता है कि तुम इस वाले बैटलफील्ड के अंदर क्या कर रहे हो। वहाँ पर सुकुना इतादोरी से बोलता है कि फाइट के अंदर उतरने के बाद भी तुम पॉसिबली कर भी क्या सकते हो। और इसी लास्ट पैनल के साथ में अपना जुजुत्सु काइसन के चैप्टर 238 का एंड होता है। यहाँ पर धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि बैटल कुछ ज्यादा इंटेंस हो जा रही है, क्योंकि इस वाले बैटलफील्ड के अंदर ऑलरेडी 4 बंदे मौजूद थे, अभी और बंदे यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अभी इतादोरी भी बैटलफील्ड के अंदर आ चुका है, शायद से वो सुकुना को बिजी रखने का ट्राई करेगा। और यहाँ पर 2 चैप्टर के अंदर हमको युता को भी नहीं दिखाया गया, शायद से वो बैकग्राउंड में रह के गोजो को हील कर रहा होगा। यहाँ पर अभी इन सब का एक ही काम होगा कि कैसे भी करके सुकुना के फाइनल फॉर्म को कुछ टाइम के लिए रोके रखे। इस वाले चैप्टर को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर तो काफी ज्यादा बवाल आने वाला है। तो चलो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।